मजे की बात है कि व्यक्ति अपने मौत के दरवाजे खुद तलाशता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि यह चीज हमें मौत प्रदान करेगी, उसकी आदतें बना लेता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और कोई ध्यान रखना, जब कोई सिगरेट पहली दफा पीता है तो उसे मजा नहीं आता, उसे खांसी आती है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर सिगरेट के साथ कई चीजें जुड़ जाती हैं। सिगरेट शान का प्रतीक मालूम होता है, सिगरेट के साथ अहंकार जुड़ा है, सिगरेट के साथ अकड़ जुड़ी है, सिगरेट पीते हुए व्यक्ति समझता है कि मैं फिल्मी हीरो हूं, और उस शान के लिए आदमी उस दुख को झेलता है और फिर इसका अभ्यासी हो जाता है। और सिगरेट का जो गंदा धुआं है, धुएं में कोई अच्छा स्वाद भी नहीं है, लेकिन वह प्रीतिकर लगने लगता है, सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति देने लगता है। धीरे धीरे कई महीनों के बाद, कई सालों तक जब आदमी सिगरेट पीता है तो इंद्रियां भी उस व्यक्ति को खींचती है, और एक तरह से वह व्यक्ति मैकेनिकल हैबिट्स का शिकार हो जाता है, यांत्रिक आदत हो जाती है, कसम खाता है कि नहीं पीऊंगा, निर्णय भी करता है कि नहीं पीऊंगा, लेकिन चूंकि उसकी इंद्रियां उसके को आदत हो चुकी है तो उसकी इंद्रियों को कोई पता नहीं, क्योंकि उसके पास तो बिल्ट इन प्रोसेस है, 10 साल से पी रहा है, कोई 20 साल से पी रहा है, कोई 5 साल से पी रहा है, अब इंद्रियों को एक नियमित आदत पड़ गई कि हर एक घंटे में सिगरेट चाहिए। इंद्रियों का एक यांत्रिक जाल है, हर एक घंटे पर सिगरेट मिलती रही है, तो इंद्रियों के पास यह व्यवस्था हो गई कि जैसे ही 1 घंटा हो जाए आपको खबर कर दे कि अब सिगरेट चाहिए, और पूरा शरीर सिगरेट की मांग करने लगता है। इंद्रियों के साथ पूरा शरीर है, तो अब सिगरेट, जब सिगरेट चाहिए तो शरीर के अनेक अंगों से खबर आएगी कि सिगरेट चाहिए। होठ कुछ पकड़ने को आतुर हो जाएंगे, फेफड़े कुछ खींचने को आतुर हो जाएंगे, खून निकोटिन लेने के लिए प्यासा हो जाएगा, नाक कुछ छोड़ने को आतुर हो जाएगी, मन किसी चीज में व्यस्त होने को आतुर हो जाएगा। यह कोई इकलौती घटना नहीं है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स इवेंट है, पूरा शरीर संयुक्त है, और पूरा शरीर इंतजार करने लगेगा कि लाओ, सब तरफ से दबाव पड़ने लगेगा कि अब सिगरेट लाओ। दस साल का, 20 साल का दबाव है, और आपने जो निर्णय ले लिया सिगरेट न पीने का, वह सिर्फ चेतन मन से लिया है, और यह दबाव कई सालों के अवचेतन मन के गहरे कोनों तक पहुंच चुका है। तो इस सिगरेट पीने की का जो दबाव है, कि जो आदत है, वह एक बड़ी ताकत है, और मन जल्दी बदलने को राजी नहीं होता। मन को पूरी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन 1 सेकंड में कैसे छोड़ोगे? लोग कहते हैं सिगरेट छोड़ देंगे, लेकिन कोई छोड़ता ओढ़ता है नहीं, क्योंकि 10-20 साल से जो पकड़ा है उसका वजन ज्यादा है। और फिर मन के भी संकल्प के क्षण हैं, और फिर मन संकल्पहीन भी हो जाता है, मन कभी एक स्थिति में नहीं होता। जब कभी संकल्प के उच्च स्थिति में होता है तो लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती सिगरेट छोड़ने से, और जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तब ऐसा लगता है कि जरा सा धक्का दे दे तो व्यक्ति मर जाए।
तो जब वह संकल्प के चोटी पर होता है तब कहता है ठीक है छोड़ देंगे, और एक घंटे बाद जब विषाद में जब फ्रस्ट्रेशन में उतर जाता है तो कहता है क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छूट सकती, अपने वश की बात नहीं है, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। वह कहता जाता है भीतर और हाथ तब तक सिगरेट के पैकेट को खोल लेते हैं और सिगरेट निकाल कर मुंह में लगा लेते हैं, दूसरा हाथ माचिस जला देता है। जब तक वह भीतर सोच ही रहा है कि नहीं हो सकता तब तक शरीर सिगरेट पीना शुरू भी कर देता है। तब वह जाग कर देखता है कि क्या हो गया, ये तो फिर सिगरेट पी ली, कल तो कसम खाई थी। तब निर्णय पक्का हो जाता है कि यह नहीं हो सकता, सिगरेट नहीं छोड़ सकता मैं। तो चूंकि यह इंद्रियों को दिया गया अभ्यास कई सालों का है तो यह एक संस्कार बन चुका, और हम सब संस्कार से जीते हैं, हम चेतना से जीते नहीं, हम जीते संस्कार से हैं। संस्कार बड़ी प्रबल चीज है, इतनी प्रबल है कि सारे संस्कार की सारी स्थिति भी चली जाए तो संस्कार अकेला रह जाता है और वह भी काम करता रहता है। और जब व्यक्ति सिगरेट छोड़ने का निर्णय लेता है या कोई भी नशा छोड़ने का निर्णय लेता है तो इसका ख्याल ही नहीं करता कि वह जिन इंद्रियों के खिलाफ निर्णय ले रहा है उनका बल कितना है। बिना तौले निर्णय भी ले लेता है और फिर पराजय के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगता। और जो सीधा इंद्रियों को बदलने में लग जाएगा वो खतरे में पड़ेगा, इंद्रियां उसे रोज रोज पटकेंगी, उसकी ही इंद्रियां। मजा तो यही है, किसी और की हो तो भी बात है, अपनी ही इंद्रियां हमें हराने में लगी हैं, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग बहुत पुरानी है, इनके संस्कार बहुत पुराने हैं और सब इतना सख्ती से मजबूत हो गया है कि जैसे एक लोहे की जैकेट हमारे चारों तरफ कसी हो और हिलना डुलना न संभव हो। तो यह तब तक न होगा जब तक हम इंद्रियों को बिल्कुल ध्यान में न लें और निर्णय अलग किए चले जाएं, इंद्रियों का ध्यान ही न लें। और इंद्रियों को ऐसी आदत डाल लें जिससे कि वे भी भ्रम में पड़ जाएं, धोखा खा जाएं। जब हम इंद्रियों को धोखा देने में सफल हो गए तो हम सिगरेट या कोई भी नशा हम छोड़ सकते हैं। सिगरेट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, कोई भी नशा किसी भी तरह का हो तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निर्णय, जिस क्षण आप निर्णय लें उस क्षण से यह सोच लें कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, कितने भी संस्कार मजबूत हो, मुझे यह नशा नहीं करना है। अब जैसे सिगरेट नहीं पीना है तो ठीक है, आपने निर्णय तो ले लिया, लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं वह बहुत बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो आपको बाद में अपनानी है, क्योंकि जैसे ही आपको तलब लगेगी आप भागेंगे सिगरेट की तरफ, जेब में सिगरेट का पैकेट है नहीं तो आप जेब में कुछ और रखें, दो चार पान बना के रख लें, टॉफी रख लें, लौंग रख लें, काजू रख लें, कुछ ऐसी स्वस्थ जो शरीर को स्वस्थता प्रदान करे, जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करे, ऐसी चीजें रख लें, लेकिन सिगरेट न रखें जेब में। और जैसे ही तलब लगे तो आप या तो मुंह में टॉफी डाल लें या पान खाने की किसी एक दूसरी आदत, स्वस्थ आदत को डेवलप कर लें, तुरंत पान खा लें जाकर, या मुंह में लौंग रख लें, इलायची रख लें, लेकिन कुछ ना कुछ रखें और चबाएं, क्योंकि आपका जो यांत्रिक, जो इंद्रियों का यांत्रिक संस्कार है वो पूरा हो जाए। हो सकता है कि आपको, आपका बदन कपने लगे, आपको कई तरह से कमजोरी मालूम हो, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि निकोटीन जाएगा नहीं, तो आपको, आपके शरीर में कुछ विचित्र परिवर्तन होंगे। हो सकता है आपका मन ना लगे, आपका मूड खराब हो जाए, थकान सी लगे, नींद आए, कई चीजें आप इनको मान के चले कि विपरीत
चीजें होंगी जो कि आपको फिर से आदत डालने को मजबूर करेंगी, लेकिन उसी समय आपको धैर्य रखना है और विभिन्न तरीकों से या तो आप ताकत की गोली ले लें या कुछ पेय पदार्थ ले लें, जूस पी लें, जिससे कि आपको आपके इंद्रियों को, आपके नसों को वो चीज़ प्रदान हो, निकोटिन के अलावा जितने भी चीज़ें हैं और स्वस्थ चीज़ें हैं जो शरीर को पौष्टिकता देती है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो जब भी तलब लगे तो आप कुछ ना कुछ खाएं, चाहे वो टॉफ़ी हो या कुछ शरीर के लिए जो अच्छी चीज़ हो। और इस तरह से आपने अगर, और यह काम आपको सिर्फ 90 दिन करना है, अगर 90 दिन तक आपने सिगरेट छोड़ दी तो आपको कोई भी नहीं फिर दोबारा सिगरेट पीने को कह सकता है। आपकी इंद्रियां ही खुद ही हार मान जाएंगी और कभी आपको नहीं कहेंगी। फिर हो सकता है कि आप उससे नफरत भी करने लगे, सिगरेट के धुएं से आपको एलर्जी होने लगे। तो सिर्फ आपको 90 दिन तक धैर्य रखना है और अपने इंद्रियों को दूसरी चीज़ों की आदत डालनी है। फिर आप देखेंगे कि आपने एक बहुत ही बुरी आदत को त्याग दिया, क्योंकि यह देखा गया है कि जो लंबे समय से सिगरेट पीते हैं या तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या तो उनको खून की उल्टी हो जाती है और 2-4 दिन में ही मर जाते हैं। डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते। कई केसों में तो देखा गया कि डॉक्टर यह पता ही नहीं लगा सके कि इसको कौन सी बीमारी है और वह व्यक्ति चल बसा। सिर्फ इतना था कि वह सिगरेट पीता था और उसकी सिगरेट पीने की आदत थी। तो इस प्रकार से आप सिगरेट पीने की गंदी और बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। मजे की बात है कि